फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड पर अज्ञात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया। आपको बता दें कि मकान स्वामी अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने कमरे और अलमारी का ताला टूटा पाया। वहीं चोरों द्वारा हजारों रुपए की नकदी और आभूषण पार कर दिए गए। थाना उत्तर के कोटला रोड द्वारिकापुरी गली नंबर 4 निवासी धीरज अपने परिवार के साथ हाथरस गए हुए थे, तभी कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर को अपना निशाना बना लिया गया। जब मकान स्वामी ने वापस अपने घर आकर देखा तो कमरे और अलमारी का ताला टूटा पाया। वहीं चोरों द्वारा लगभग 40,000 के आभूषण और 10,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया गया। वहीं मकान स्वामी का कहना है कि वे घर की सुरक्षा के लिए किराएदार को छोड़कर गए थे, लेकिन जब मकान स्वामी ने किराएदार से पूछा तो वह उनसे बदतमीजी करने लगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये हम लोग शादी में गए थे। कहाँ? हाथरस। कब? हम तो गए थे 15 तारीख को, और हमारा ये बड़ा वाला लड़का गया था कल 19 तारीख को, तो चाबी दे गया था उस किराएदार को। किराएदार कौन था? वो हमारी बुआ जी के यहाँ रहता है, तो वो बोल रहा था कि मैं रहूँगा यहाँ पे, तुम चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। तो उसको एक रात के लिए छोड़ के चले गए थे। तो हम लोग वहाँ शादी में बारात में चले गए, तो उसने कल रात को ये कांड कर दिया। चोरी बोरी कब आए थे? आज ही आए हैं हम शाम को। कितने समय? ऐसे करीब 6 बजे करीब आए हैं। तो हमने आके देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ उसने गायब कर दिया, और फिर हमने उससे बुला के पूछा तो वो बोल रहा था कि भाई मैं तो कुछ बताऊंगा नहीं, मुझ पर तो कुछ है नहीं, चाहे तुम मैं गोली मारो या पुलिस में रिपोर्ट करो, मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो भगवान जाने। ये द्वारकापुरी कॉलोनी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।